हेलो एवरीवन, मैं नीतीश। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रिक रेलवे एएलपी टेक्नीशियन पैनल, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन पैनल लिस्ट। किस जोन से पैनल पार्ट वन आएगा, किस जोन से पैनल पार्ट टू थ्री एंड फोर आएगा, किस जोन से सबसे ज़्यादा स्टैंड बाय लिस्ट को मिल सकता मौका। फुल एनालिसिस के बाद सभी जोन वाले इस वीडियो को देखें। इसमें हम बात करेंगे दोस्तों कि किस जोन से है, कितना पैनल लिस्ट आया है, कितनी वैकेंसी जो है खाली है अभी भी, और कितना जो है स्टैंड बाय लिस्ट को मौका मिल सकता है। ज़्यादा न समय लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप न्यू विजिटर है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। सबसे पहला जोन हम बात करते हैं आरआरबी अहमदाबाद का। दोस्तों यहां से जो है पैनल पार्ट वन जारी किया गया है। कैटेगरी टू से 217 कैंडिडेट का जो है पैनल पार्ट वन में जगह मिला है और यहां पे 365 वैकेंसी है टोटल एएलपी की। यहां पे जो है अभी भी 148 सीट खाली है, तो पैनल पार्ट टू आने के बाद ही जो है कन्फर्म होगा कि कितना जो है यहाँ से रिजेक्शन हुआ है और कितना जो है स्टैंड बाय लिस्ट को मौका मिल सकता है। अगला जोन हम बात करेंगे आरआरबी अजमेर। यहां से भी दोस्तों पैनल पार्ट वन जारी कर दिया गया है। कैटेगरी नंबर टू से जो है 403 कैंडिडेट को पैनल पार्ट वन में जगह मिली है और यहां वैकेंसी की अगर बात करें तो 1110 वैकेंसी है। अभी भी जो है 707 जो सीट है यहां पे खाली है, तो यहां भी दोस्तों जो है पैनल पार्ट टू आने के बाद जो है कन्फर्म होगा कि स्टैंड बाय लिस्ट से कितने कैंडिडेट को जो है मौका मिल सकता है। लेकिन ये बड़ा जोन माना जा रहा है और यहां से जो है ज़्यादा चांसेज है स्टैंड बाय लिस्ट को, ज़्यादा कैंडिडेट को मौका मिलने का। अगला जोन है इलाहाबाद। यहाँ से जो है अभी तक दोस्तों पैनल लिस्ट जारी नहीं किया गया है। यहाँ पे वैकेंसी की यदि बात करें तो 4236 जो है एएलपी की वैकेंसी है और यहाँ से जो है दोस्तों पैनल पार्ट वन जल्द ही जो है जारी किया जाएगा। आरआरबी बेंगलोर की दोस्तों बात करें तो यहाँ से जो है पैनल पार्ट वन जारी कर दिया गया है। टोटल जो है 1007 कैंडिडेट को जो है पैनल पार्ट वन में जगह मिली है। यहाँ वैकेंसी की अगर बात करें दोस्तों तो 1623 जो है यहाँ पे टोटल वैकेंसी है और अभी भी जो है 616 सीट जो है यहाँ पे खाली है। तो यहाँ भी जो है दोस्तों माना जा रहा है कि स्टैंड बाय लिस्ट को अप्रॉक्स 200 से 300 कैंडिडेट को मौका मिल सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स जो एक्सपेक्टेड है वो 200 से 300। बेंगलोर जोन से जो है कुछ कैंडिडेट का ट्रेनिंग भी जो है एलपी का स्टार्ट हो गया है। अगला जोन है भोपाल। दोस्तों यहाँ बात करें तो यहाँ से जो है पैनल पार्ट वन जारी कर दिया गया है। 780 कैंडिडेट को जो है पैनल पार्ट वन में जगह मिली है और यहाँ वैकेंसी की अगर बात करें तो 1110 यहाँ टोटल वैकेंसी है एएलपी की। यहाँ पे भी जो है 330 सीट जो है अभी भी खाली है। आरआरबी भुवनेश्वर जोन से जो है दोस्तों पैनल पार्ट वन जारी कर दिया गया। यहाँ से कैटेगरी वन में आपको 541 कैंडिडेट को लिया गया है पैनल पार्ट वन में और कैटेगरी टू से जो है 184 कैंडिडेट को लिया गया है। अभी भी जो है यहाँ पे 1500 सीट जो है खाली है और यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है 2228। यहाँ से भी स्टैंड बाय लिस्ट कैंडिडेट को जो है अच्छे खासे अपॉर्चुनिटी है, मौका मिल सकता है। नेक्स्ट जोन है दोस्तों आरआरबी बिलासपुर। यहाँ यदि बात करें तो अभी जो है पैनल पार्ट वन नहीं जारी किया गया है, कोई भी पैनल पार्ट यहाँ से नहीं आया है और वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे जो है 1484 यानी कि 1484 वैकेंसी है टोटल। अगला जोन है आरआरबी चंडीगढ़। यहाँ से भी दोस्तों अभी तक कोई भी पैनल पार्ट जारी नहीं किया गया है। वैकेंसी यदि बात करें एएलपी की तो यहाँ जो है एएलपी की वैकेंसी 1308 वैकेंसी टोटल है। अगला जोन है आरआरबी चेन्नई। यहाँ से भी जो है अभी तक कोई पैनल पार्ट जारी नहीं किया गया है। यहाँ टोटल वैकेंसी जो है 761 है। आरआरबी गोरखपुर से भी जो है अभी तक कोई भी पैनल पार्ट जारी नहीं किया गया है। यहाँ टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1681 टोटल वैकेंसी है। अगला जोन है आरआरबी गुवाहाटी। यहां से जो है पैनल पार्ट वन जारी किया गया है। कैटेगरी टू से जो है 174 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। यहां पे टोटल वैकेंसी 420 है और जो सीट अभी खाली है 246 सीट जो है अभी भी खाली है। पैनल पार्ट टू आने के बाद ही यहां से पता चल सकता है कि कितनी जो है स्टैंड बाय लिस्ट को मौका मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेज हैं यहां भी जो है आपको 100 से 150 कैंडिडेट को चांसेज हैं, क्योंकि पैनल पार्ट वन जो है ये छोटा जोन है और यहां पे जो डीबी और मेडिकल जल्दी हो गया था, तो यहां जो है पेंडिंग वाले कैंडिडेट की वजह से पैनल पार्ट टू जारी नहीं किया गया है। जल्द ही जो है पैनल पार्ट टू जारी कर दिया जाएगा और स्टैंड बाय लिस्ट को भी मौका मिलेगा। अगला जोन है आरआरबी जम्मू। यहां से जो है पैनल पार्ट वन जारी कर दिया गया है। कैटेगरी नंबर टू से जो है 102 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है एएलपी के लिए पैनल पार्ट वन में। यहां पे टोटल वैकेंसी 357 है और जो सीट खाली है वो 255 है। यहां जो है पैनल पार्ट टू
वन तो बहुत जल्दी जारी कर दिया गया, लेकिन पैनल पार्ट टू में जो है टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है पेंडिंग जो भी कैंडिडेट है जिनका डीबी या मेडिकल के कारण पेंडिंग रिजल्ट है, उनकी वजह से जो है पैनल पार्ट टू में डिले हो रहा है। जल्द ही जो है आपको पैनल पार्ट टू जारी कर दिया जाएगा और स्टैंड बाय लिस्ट से कितने कैंडिडेट को मौका मिलेगा पैनल पार्ट टू आने के बाद ही कन्फर्म होगा। आरआरबी कोलकाता से जो है अभी तक पैनल पार्ट वन टू और थ्री पैनल पार्ट जो है जारी कर दिया गया है। पैनल पार्ट वन, पैनल पार्ट टू और पैनल पार्ट थ्री भी आ चुका है। पैनल पार्ट वन में जो है कैटेगरी नंबर वन से 44 कैंडिडेट को मौका मिला था, कैटेगरी नंबर टू से 27 को और फिर कैटेगरी नंबर वन से 57 को। टोटल जो है यदि बात करें कैटेगरी वन और टू से तो अभी तक जो है 403 कैंडिडेट को पैनल पार्ट वन, पैनल पार्ट टू और पैनल पार्ट थ्री से जो है शॉर्टलिस्टेड किया गया है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है एएलपी की वो 1409 वैकेंसी है टोटल, और अभी भी जो सीट खाली है वो 1006। यहाँ से जो है स्टैंड बाय लिस्ट से कैंडिडेट को ज़्यादा चांसेज है मौका मिलने का। आरआरबी मालदा की बात करें दोस्तों, यहाँ से जो है पैनल पार्ट वन जारी कर दिया गया है, 167 कैंडिडेट को जो है पैनल पार्ट वन में जगह मिली है। टोटल वैकेंसी एएलपी के यहाँ पे जो है 801 है और अभी भी जो सीट खाली है वो 634। यहाँ से जो है पैनल पार्ट टू आने के बाद ही जो है कंफर्म होगा कि कितने स्टैंड बाय लिस्ट को मौका मिल सकता है। आरआरबी मुंबई की बात करें तो यहाँ से जो है पैनल पार्ट वन जारी कर दिया गया है, 596 कैंडिडेट को जो है शॉर्टलिस्टेड किया गया है पैनल पार्ट वन में। यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है 1866 है, अभी भी जो है 1330 सीट खाली है। यहाँ जो है स्टैंड बाय लिस्ट को जो है मौका मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। नेक्स्ट जोन जो है आरआरबी मुजफ्फरपुर, यहाँ से जो है पैनल पार्ट वन जारी कर दिया गया है, कैटेगरी नंबर वन से 88 कैंडिडेट को मौका मिला है और कैटेगरी नंबर टू से जो है आपको 103 कैंडिडेट को मौका मिला है। टोटल यदि करें 191 कैंडिडेट को, 191 कैंडिडेट को पैनल पार्ट वन में शॉर्ट लिस्टेड किया गया। टोटल यहाँ वैकेंसी जो है एएलपी की वो 456 है, अभी जो सीट खाली है वो 265 है। साथ में यहाँ जो है रिजेक्टेड अनफिट मेडिकल में जो है उसका भी लिस्ट जारी कर दिया गया है और विथ हेल्ड में जो है 11 कैंडिडेट का जो है विथ हेल्ड में जो है यहाँ पे 11 कैंडिडेट को जो है रखा गया है। तो यहाँ पे एंड बाय लिस्ट को अपॉर्चुनिटी है, यहाँ भी 100 से 150 तक चांसेस मिलने के। नेक्स्ट जोन जो है आरआरबी पटना, यहाँ से जो है पैनल पार्ट वन जारी किया गया है, कैटेगरी वन से जो है 302 और कैटेगरी नंबर दो से जो है आपको 12 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया पैनल पार्ट वन में और टोटल यहाँ पे जो है 314 कैंडिडेट को पैनल पार्ट वन में शॉर्टलिस्टेड किया गया है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 720 जो है एलपी की वैकेंसी है, अभी भी सीट खाली है 406। यहाँ पे भी जो है आपको मेडिकल में अनफिट का जो है लिस्ट जारी कर दिया गया है, तो यहाँ से भी जो है आपको 100 से अभव 125 से अभव कैंडिडेट का जो है लिस्ट जारी किया गया, इसीलिए स्टैंड बाय लिस्ट को यहाँ भी अपॉर्चुनिटी है, 100 से 150 कैंडिडेट को चांसेज मिले। नेक्स्ट जोन है आरआरबी रांची, यहाँ से भी दोस्तों पैनल पार्ट वन जारी कर दिया गया है। यहाँ से जो है टोटल आपको 1273 कैंडिडेट को पैनल पार्ट वन में शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। अभी भी जो है यहाँ पे 758 जो है वैकेंसी खाली है और यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है 2031 वैकेंसी है टोटल। यहाँ से भी जो है कैंडिडेट जो है यहाँ से भी स्टैंड बाय लिस्ट कैंडिडेट को जो है चांसेज हैं, अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा चांसेज मिल सकते हैं उनको। आरआरबी सिकंदराबाद की बात करें तो दोस्तों यहाँ से जो है अभी कोई भी पैनल पार्ट जारी नहीं किया गया है पैनल लिस्ट। टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 3133 है। नेक्स्ट जोन जो है आरआरबी सिलीगुड़ी, यहाँ से जो है पैनल पार्ट वन जारी कर दिया गया है, कैटेगरी नंबर टू से 183 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है पैनल पार्ट वन में और टोटल यहाँ वैकेंसी है 534। अभी भी जो सीट यहाँ पे वैकेंसी खाली है वो 351। यहाँ पे भी जो है पैनल पार्ट टू आने के बाद ही कन्फर्म होगा स्टैंड बाय लिस्ट कैंडिडेट को कितनी जो है चांसेस मिल सकती है। अगला जोन है आरआरबी तिरुवनंतपुरम, यहाँ से दोस्तों जो है कंप्लीट पैनल जारी कर दिया गया है। यहाँ से एएलपी को जो पैनल पार्ट वन में जगह मिला है 120 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया। टोटल वैकेंसी एएलपी की 162 है, अभी भी जो है 42 वैकेंसी यहाँ पे खाली है। तो अप्रॉक्स यहाँ पे जो है 20 से 20 से आपको 30 कैंडिडेट को स्टैंड बाय लिस्ट से मौका मिल सकता है। बात करें टेक्नीशियन की तो यहाँ पे टोटल जो है पैनल पार्ट वन में शॉर्टलिस्टेड किया गया 205 कैंडिडेट को और टोटल वैकेंसी यहाँ पे है 446। अभी भी जो है टेक्नीशियन से 241 सीट जो है वो खाली है। कुछ ऐसे भी टेक्नीशियन में सीट है जिनके लिए जो है कैंडिडेट अवेलेबल ही नहीं है, वहाँ जो है सीट खाली ही रह जाएगी। दोस्तों यहाँ से भी जो है टेक्नीशियन के लिए स्टैंड बाय लिस्ट कैंडिडेट को जो है ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अप्रॉक्स 200 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको स्टैंड बाय लिस्ट से लिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर। रेलवे की पल पल की अपडेट के लिए एग्जाम ट्रिक के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।